हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, एक कल यहाँ पर वीडियो बनाई गई थी, कैंडल देखिए और देख के पता करें कि आपको निकलना है, एग्जिट कैसे होना है वो आपको बताएगा। तो देखिए, कल यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको एक कैंडल बताई थी कि जब भी इस तरीके की कैंडल बने, आपके ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर रेड कैंडल बन जाए तो सिंपल है, आपको निकलना है। तो देखिए, कल हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक से यहाँ पर निकले थे, एम्फेसिस। ओके, एम्फेसिस में आज देख सकते हैं कितनी आज आज कितनी गिरावट हुई है, लगभग 2% ये 90 रुपये फिर दोबारा गिरता हुआ नजर आया है। तो इसमें क्या है, इसमें आप एक गिरावट में गिरने के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक को ही बाद में, स्टॉक अच्छा है ओके लॉन्ग टर्म के लिए, बट थोड़ा सा यहाँ पर जब गिर रहा है तो उसका फायदा अपने प्रॉफिट को सेव करके दोबारा री एंट्री यहाँ पर नीचे लेवल पर ले सकते हैं। तो बस यही फायदा है और इसी तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसी कल यहाँ पर अगर बात करें विश्वराज शुगर, ओके यहाँ पर भी हमने एग्जिट लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वही कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आई थी, तो यहाँ पर समझ में आ गया था और आज 5% गिरा। तो इसी तरीके से आज भी हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक जैसे कि मास्टेक, ओके यहाँ से एग्जिट लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल बन गई है, ये चार्ट पैटर्न मुझे नहीं लगता पूरा होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, तब देखेंगे यहाँ पर एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी मैंने कुछ बताया था कि कुछ टाइम हो सकता है कि वो उसी जगह पर मंडराता हो, जैसे कि बिरला सॉफ्ट में कैंडल बनी है, ओके यहाँ पर रेड कैंडल दोबारा बन गई, तो यहाँ पर आज ऊपर जाता हुआ थोड़ा सा दिखाई दिया 4450 तक, बट अगेन 4042 तक यहाँ पर नीचे क्लोज हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, सूनर और लेटर नीचे आएगा ही, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंटली वेट करना होगा और ये एक फंसाने की कोशिश की जाती है सिंपली ऑपरेटर या बड़े लोगों के थ्रू, तो यहाँ पर चीजें समझी जाती है। तो इसके लिए ये पूरी वीडियो है, इसे देख लीजिएगा तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कल माइक्रो माइक्रोटेक डेवलपर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, आज 2-3% भागा। यहाँ पर निफ्टी मेटल से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, इसके अलावा हमने जुबिलेंट फूड से रिलेटेड वीडियो बनाई है, और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, देखिए आया गर्मी का मौसम, सिम्फनी और ब्लू स्टार दोनों से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी। आज 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई है, और आज अगर मैं आपको सिम्फनी का दर्शन करा दूँ तो आपको पता चल जाएगी सिम्फनी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4% के आसपास यहाँ पर शेयर भागा है और ये लेवल जो आज का है इसे क्रॉस कर दिया, तो एक अच्छी जंप आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये पूरा अपना बहुत लंबा कंसोलिडेशन एज वेल एज यहाँ पर पूरा ये राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर चीजें जाएगी, क्योंकि राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आती है, राउंडिंग अप बना के अब चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, चीजें समझने की कोशिश करें, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक और सीखने की कोशिश करें। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली आपको चीजें सीखनी है, और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप वीडियो देखें सीखें। देखिए, आप पैसा कमाने के लिए, एक जॉब पाने के लिए कम से कम LKG से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, बट अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में, आप आती जात पैसा कमाने की सोचते हैं तो इसलिए यहां पर पैसा नहीं बन पाता। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, ओके यहाँ पर कम से कम 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, धीरे धीरे से पैसा पैसा भी कमाते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे, प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे, तो यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। जब चीजें समझ में आना शुरू होगी तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, यू विल डेफिनेटली मेक ह्यूज मनी। अगर बात करें वो एक बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा, एंड यू विल बिकम अ वेरी रिच पर्सन एंड अ वेल्दी पर्सन। तो आइए सीधे आगे बढ़ते हैं, आज एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वाबाग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर वाटेक वाबाग से रिलेटेड बात करेंगे, जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। आज मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री ली है, ओके तो यहाँ पर क्यों एंट्री ली है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए, लाइक करें इस वीडियो को, दूसरी वीडियो को लाइक करो, और ये पर्टिकुलर नंबर दे रखा है हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट करके अपने फाइनेंशियल यहाँ पर हमें हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल पे से खुद की स्टडी करनी है। वाटेक की बात करें तो वाटेक एक बेहतरीन शेयर यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके पीछे लेने के पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला की 20,000 है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे सकता हूँ, देखिए लगभग 56% की होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक रखती है, राकेश झुनझुनवाला लगभग 8.04% की यहाँ पर हिस्सेदारी रखते हैं, तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला की 20,000 है। FIs भी यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर पहले ज्यादा थे, कम हुई, कम के होने के बाद यहाँ पर लगातार यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, 18% के आसपास की हिस्सेदारी है। डी
आईज यहाँ पर देखिए 3.62% की है और 56% की हिस्सेदारी पब्लिक है, बट पब्लिक के पास से भी यहाँ पर देखेंगे बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी ऑलरेडी यहाँ पर ले रखी है, 15-16% की हिस्सेदारी नजर आती है और यहाँ पर जो रिमेनिंग हिस्सेदारी है 30% की वो ही बड़े लोगों के पास ही है 40% की। पब्लिक की बात करें, प्रोमोटर्स की बात करें, खास यहाँ हिस्सेदारी नहीं है, 21.7% की है, FIs की 18% की है, बट जो भी हिस्सेदारी है यहाँ पर सही हिस्सेदारी है। अब इस शेयर को लेने के पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल रीजन यहाँ पर अगर हम मैं बात करूँ कुछ चार्ट पैटर्न इसके बता रहे हैं एज वेल एज यहाँ पर कुछ इसके फाइनेंशियल्स और रिजल्ट। वाटेक इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट फील्ड, इट्स प्रिंसिपल एक्टिविटी इंक्लूड डिजाइन सप्लाई इंस्टॉलेशन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट एंड डेसिलेशन प्लांट्स। तो अगर हम बात करें सिंपल ये कंपनी करती क्या है, वाटर ट्रीटमेंट करती हुई नजर आती है, जो बेकार पानी है उसे पीने योग्य बनाती है और भारत में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। एज यू नो कि भारत में अभी भी काफी जगह पर पानी नहीं आता नलों से और जो भी पानी यहाँ पर मिलता है वो पीने योग्य नहीं होता, तो इसलिए ये कंपनी उस वाटर ट्रीटमेंट को देख के पानी को पीने योग्य बनाती है, इस चीज को याद रखिए। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट तो यही सब चीज इंडस्ट्रियल वाटर को यहाँ पर ठीक करती है। एवन की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब चीज यहाँ पर और अच्छे तरीके से पता चलेगी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। लगभग 25 साल हो गए म्युनिसिपैलिटीज यहाँ पर बात करें इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल पार्टनरशिप में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है और यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिसेलिनेशन एज वेल एज स्लज ट्रीटमेंट एंड एनर्जी रिकवर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाटर रिक्लेमेशन और केस स्टडी में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो कंपनी इंडिया में ऐसी कंपनीज की रियल में ही काफी जरूरत है जहाँ पर ऐसे पानी को यहाँ पर ठीक किया जाए और ठीक करने के बाद उसे पीने योग्य बनाया जाए। 100+ पेटेंट्स हैं इनके, 20+ कंट्रीज में काम करती है, 90+ ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड 6,000+ प्लांट्स इनके यहाँ पर नजर आते हैं। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। पानी को वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज बनाना, यहाँ पर पानी को पीने योग्य बनाना, सब चीज में कंपनी काम करती नजर आती है और म्युनिसिपल पार्टीज के साथ मिलकर ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी की तरफ यहाँ पर आप नजर बना के रखिए। तो यहाँ पर अगर बात करें कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1766 करोड़ का, इतना ज्यादा कंपनी का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है, तो इन्वेस्टमेंट भी इतना ही करना है कि अगर कल को शेयर नीचे आता है तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 34% के आसपास की यहाँ पर डेट है कंपनी के पास, कोई भी प्राइसिंग नहीं है और इंडस्ट्री का पीई 21 है और ये 13 के पीई पे चल रहा है, तो मतलब एक शेयर यहाँ पर सस्ता है और 12 और 8 के आसपास का आरओसी आरओई है, तो यहाँ पर कुछ खास आरओसी आरओई नहीं है, इक्वल मतलब ठीक ठाक है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। इसके अलावा बुक वैल्यू के आसपास ही यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है और इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर, तो कम से कम इतनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए, फेस वैल्यू 2 के आसपास है और 404 से ये शेयर 284 रुपए तक यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, कभी यहाँ पर शेयर ये 800-900 रुपए के आसपास हुआ करता था, एक लगातार गिरावट है और चीजें यहाँ पर अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम अगर आप देंगे इस पर्टिकुलर शेयर में तो जिस तरीके से ऊपर 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 जाके नीचे आया है उसी तरीके से नीचे जाके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप बात कर लीजिए सेल्स की, तो यहाँ पर देखिए सेल्स लगातार 2020 तक यहाँ पर सेल्स बढ़ी, यहाँ पर कोविड आया, कोविड की वजह से यहाँ पर चीजें नीचे गिरती हुई दिखाई दी, बट अगेन यहाँ पर चीजें भागती हुई दिखाई दी और मार्च 2021 में लगभग हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स आई, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई, बट अगेन यहाँ पर कंपनी का नंबर अभी अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली बेसिस पे तो वो अच्छे आए हैं, ईयरली बेसिस पे बात करूँ वो थोड़े से यहाँ पर सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आप देख सकते हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों यहाँ पर अच्छे खासे आए हैं। यहाँ देखिए 8% से 10% हुआ, 9% से 10% हुआ और यही चीज मैं बताता हूँ, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ रहा है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो चीजें को ऊपर जाने से फिर कोई नहीं रोक रहा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट कुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट यहाँ पर जो हमारे स्विंग ट्रेडिंग में थोड़े से
से जो रिटर्न 20 से 25 और 30% के रिटर्न की बात करते हैं, अगर वही मिल जाएंगे तो इजीली आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा 26 से 44 या 42 से 44% 44 करोड़ का। तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर नंबर। और सेल्स ईयरली बेसिस पर बात करें पिछले 10 साल की, तो यहाँ पर देखिए कंपनी लगातार यहाँ पर ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है 2018 तक, इसके बाद थोड़ी सी गिरावट हुई और अगेन दोबारा कंपनी पिछले 12 महीने में लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की सेल्स। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा, बट हाँ कंपनी के 132 करोड़ का प्रॉफिट 2018 में था, सेम प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, देखिए 397 करोड़ से लग करोड़ 10 साल के अंदर अंदर 11 साल के अंदर अंदर 1439 करोड़ हो गए हैं। बोरिंग की बात करें, कंपनी की बोरिंग थोड़ी सी है बट कंटिन्यूअसली बेसिस पे यहाँ पर बोरिंग कम भी हुई है, यहाँ पर देखिए 613 से 520 हुई 350 और अगेन यहाँ पर थोड़ी सी बोरिंग इन्होंने लगभग लिया है। यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट की बात करें, 30 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 236 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास कैश भी, और जो भी पैसा आता है जो भी काम करते हैं उससे पैसा आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर ठीक सही मतलब ज्यादा नहीं है बट इतनी बेहतरीन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर बात करें अच्छे बड़े लोगों के पास ही है, 21% ये हो गया, 18% FIs के पास हो गया, 4% के आसपास ये हो गया, और FI यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला और सबके पास भी ये शेयर होल्डिंग है, तो अब ऐसी बात है अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है। अब बात कर लेते हैं वाबाग के चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न देखिए आपके सामने है। यहाँ पर वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक वॉल्यूम यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू होंगे, और जैसे ही वॉल्यूम आना शुरू होंगे चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अगर मैं सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये शेयर है अगर ये अपने अभी 52 वीक हाई तक भी चले जाता है, तो 52 वीक हाई जब नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं और 52 वीक हाई तक भी चले जाता है तो यहाँ लगभग 41% के रिटर्न, 396 की बात कर रहा हूँ, 404 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो 41% के रिटर्न आपको बनते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर कुछ चीज की बात करूँ तो एक बेहतरीन सपोर्ट शेयर यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है, हाईएस्ट एवर नंबर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एज वेल एज प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो चीजें यहाँ पर ऊपर जानी है नीचे नहीं आनी। और जब इसके रिजल्ट आए थे तो यहाँ पर देख सकते हैं चीजें किस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट के बाद यहाँ पर ही रिजल्ट आए थे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यहाँ पर रिजल्ट आए थे जो कि ये कैंडल दिखा रहा है, यहाँ पर रिजल्ट आए थे और यहाँ पर से चीजें एक साथ भागती हुई दिखाई दी थी, लगभग अच्छा खासा 15-20% के यहाँ पर रिटर्न्स बनते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट यहाँ पर लिया है, इससे पहले ही सपोर्ट अगर मैं दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये दो बार सपोर्ट ले चुका है और यहीं से ही चीजें दोबारा भागती हुई दिखाई देती, यहाँ पर एक बार भागी थी, अगेन यहाँ पर ये चीजें एक बार यहाँ पर भी भागती हुई दिखाई देती, तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है। इसके नीचे अगर चीजें टूटी तो यहाँ पर पहला यहाँ पर बात करें 275 और फिर उसके बाद यहाँ तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो लगभग 30 से 40 रुपए के डाउनसाइड के लिए आप तैयार रहिएगा, कभी भी आ सकता है। बट इसके अगेंस्ट में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यहां पर आप देख सकते हैं एक बेहतरीन 41% का प्रॉफिट यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि यहां पर सीधे यहां पर मैं अगर चीजें आपको सिंपली करके बता दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं चीजें यहां पर इस तरीके से ये राउंडिंग बॉटम बना के सबसे पहला टारगेट ये, और जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं ना याद रखिए, मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी अगेन यहाँ पर जब 2018 में यहाँ पर चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न सिंपल कह रहा है कि ये दो हाईएस्ट एवर इसके नंबर कब आए थे, 2015 में आए थे, और 2015 में सेल 2435 करोड़ थी, प्रॉफिट की बात करें 110 करोड़ था, 2021 में प्रॉफिट 110 करोड़ है और पिछले 12 महीने में 132 करोड़ के आसपास आ गया है, और जब 132 करोड़ के आसपास यहाँ पर आ गया है प्रॉफिट, और धीरे धीरे जब लोग एजुकेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज हो रही है, गवर्नमेंट अच्छी आती हुई नजर आ रही है, चीजें दोबारा जाएंगी, और यहाँ पर मुझे तो जो अगर कोई थोड़ा सा यहाँ पर टाइम का वेट कर लेता है तो चीजें यहाँ पर सीधे क्या नजर आती है, चीजें नजर आती है इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनाती हुई, ये राउंडिंग बॉटम बना के चीजें यहाँ पर से सीधे जाती है, और अगर यहाँ तक के रिटर्न मिल गए ना तो आपका पैसा यहाँ पर आप खुद सोच लीजिए पांच लगभग चार गुना यहाँ पर पैसा होता हुआ नजर आता है, कितने परसेंट के रिटर्न सीधे नजर आते हैं, सॉरी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, तो सीधे यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपके बनते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर अगर ये इस तरह से लगभग 200-300% 250% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये भी अचीव होगा अगर कंपनी अच्छा रिजल्ट पर बताती रही, बट शॉर्ट टर्म में मुझे ये रिटर्न यहाँ पर 41% जो कि 30-40% के आसपास के रिटर्न मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है, दूसरी वीडियोस को आपको देखना है, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्टिकुलर नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।